कहा जा रहा है कि जमीयत उलमा हिंद की याचिका पर आज सुनवाई की जाएगी। देश भर में मुस्लिम समाज निशाना बनाया जा रहा है। जमीयत की तरफ से ये कहा गया है, जस्टिस भूषण आर गवई की अगुवाई वाली पीठ पर सुनवाई करेगी आज। बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाने की सुप्रीम कोर्ट से मांग की गई है। तो देश भर में मुस्लिम समाज निशाना बनाया जा रहा है। जमीयत उलमा हिंद की तरफ से ये कहा गया है, जैसे भूषण आर गवई की अगुवाई वाली पीठ आज सुनवाई करेगी, तो बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाने की सुप्रीम कोर्ट से देखिए मांग की गई है। और आज इसी को लेकर देखिए सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की जाएगी। तो देश भर में बुलडोजर एक्शन का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। तो देखिए देश भर में बुलडोजर एक्शन का ये पूरा मामला है। कहा जा रहा है कि आज इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की जाएगी। जमीयत उलमा हिंद की तरफ से याचिका दायर की गई है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता दीपक हमारे साथ जुड़ गए। दीपक, कहा जा रहा है कि बुलडोजर एक्शन को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की जाएगी। जी बिल्कुल नहीं, बता दें आपको कि जिस तरह से देश भर में बुलडोजर एक्शन देखा जा रहा है, खास करके यदि हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में लगातार बुलडोजर एक्शन देखा जा रहा है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी लोग बुलडोजर बाबा के नाम से भी लोग जानते हैं। तो क्यों ना जिस तरह से उत्तर प्रदेश से जो बुलडोजर का कार्रवाई शुरू हुआ था वो अब देश भर के सभी राज्यों में जा पहुँचा, चाहे हम बात कर ले बिहार की, चाहे हम बात कर ले मध्य प्रदेश की, या फिर हम बात करें राजस्थान की, या फिर हम बात करें देश की राजधानी दिल्ली की। तो लगातार सभी जगहों पर बुलडोजर का एक्शन देखा जा रहा है। लेकिन अब बुलडोजर का जो एक्शन है वो अब विवादों में घिर चुका है। और जमीयत उलेमा हिंद ने आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पे याचिका दायर की है, जिसको लेकर के आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। और याचिका में साफ तौर पे कहा गया है कि सिर्फ एक वर्ग को, यानी कि मुस्लिम वर्ग को सिर्फ टारगेट किया जाता है बुलडोजर एक्शन के माध्यम से, और सिर्फ बुलडोजर एक्शन का जो कार्रवाई है वो सिर्फ मुस्लिमों पर किया जाता है। लेकिन यदि हम बात करें तमाम राज्यों में, चाहे हम बात करें राजस्थान की, खास करके मध्य प्रदेश की बात करें, दिल्ली की बात करें, तो सभी जगहों पे बुलडोजर का एक्शन देखा जा रहा है। सबसे अधिक यदि बुलडोजर का एक्शन देखा जा रहा है तो वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में देखा जा रहा है। और उत्तर प्रदेश में शुरुआत भी बुलडोजर एक्शन का वहीं से हुआ है, क्योंकि जिस तरह से योगी आदित्यनाथ तुरंत एक्शन लेते हैं, एक्शन लेने के तहत जो भी अपराधी होता है उसके घर पर, उसके जो अवैध निर्माण जो जमीन रहता है वहाँ पर वो बुलडोजर का एक्शन करते हैं, वहाँ पर वो बुलडोजर से उसको तोड़वा देते हैं। तो उसको लेकर के अब विवाद बढ़ गया है। और विवाद इतना बढ़ा है कि जमीयत उलेमा हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली हुई थी, और याचिका के दौरान उसने साफ तौर पे कहा गया था जमीयत उलेमा हिंद की तरफ से कि सिर्फ मुस्लिम वर्ग को टारगेट किया जाता है बुलडोजर एक्शन के माध्यम से, और मुस्लिम वर्ग को इससे बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट को इसमें अब हस्तक्षेप करना चाहिए और जल्द से जल्द बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाना चाहिए। लेकिन यदि हम बात करें सिर्फ उत्तर प्रदेश की नहीं, उत्तर प्रदेश के साथ साथ कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पर लगातार बुलडोजर का एक्शन देखा जाता है। चाहे हम बात कर ले मध्य प्रदेश की, जो मुख्यमंत्री मोहन यादव की बात करें तो वो भी देखे जब वो शपथ ग्रहण लिए थे उसके बाद से लगातार मध्य प्रदेश में भी बुलडोजर एक्शन देखा गया था। यदि हम देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में भी DDA की तरफ से लगातार बुलडोजर चलाया जाता है और जो अवैध निर्माण है उसको तोड़ा जाता है। तो कहीं ना कहीं जो बुलडोजर एक्शन है वो उत्तर प्रदेश से चल के अब पूरे देश में फैल चुका है, और पूरे देश में फैलने के बाद अब इसको लेकर के विवाद भी सामने आ गया। और जमीयत उलेमा हिंद ने खुल के इसका विरोध किया है, खुल के इस पे कहा है कि मुस्लिम पक्ष को सिर्फ टारगेट बनाने के लिए ये बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है। हालांकि आज इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है, और देखना ये होगा कि सुनवाई के दौरान क्या कुछ कहा जाता है, क्योंकि यदि हम जमीयत उलेमा हिंद की बात करें तो धन्यवाद आपका दीपक। चलिए आगे बढ़ते हैं खबर।